और दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल सुमन एंड सैम फैमिली। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं और मम्मी जी रेडी हो रखे हैं घर के सफाई करने के लिए, क्योंकि कल हमारे यहाँ गेस्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो आज हम सारी सफाई कर रहे हैं, करेंगे, मतलब अभी कर नहीं रहे, करेंगे। तो ये देखो शुरू हो गई है क्लीनिंग, सब लगे हैं सीढ़ी लेके, कोई झाड़ू मार रहा, कोई पोछा मार रहा, कोई पंखे साफ कर रहा है। तो मम्मी पोछा मार रही हैं, और ये देखो अभी ये जो नई दुल्हन आएगी उसका रूम है, तो उसका सामान ऐसे ही पड़ा है। अभी यहाँ पे बेड आना है आज, तो हम थोड़ा पोछा वगैरह मारा तो सामान इधर उधर कर दिया है। और ये टीवी लग चुका है उनके रूम पे, और अभी बहुत सारा काम है। ये देखो ये पार्टी पेपर वगैरह हमने ऐसी रखी हुई है, सूटकेस वगैरह रेडी करके, गद्दे वगैरह, अब बेड आएगा तो उसमें रख देंगे। बाकी ये कूलर की भी सफाई हो रही है आज। और ये मेरा रूम है जहाँ मम्मी पोछा मार रही हैं, यहाँ भी अभी बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, और यहाँ पे कूलर की सफाई हो रही है। ये टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह सारे मेरे हस्बैंड ने क्लीन कर दिए हैं, उनको ये ड्यूटी मिली थी। और ये देखो ये देवर जी गैस चूल्हा का काम दिया था, चेंज करना था, नया गैस चूल्हा लगना था, तो वो वाला दिया। मैंने कहा पुराना वाला नीचे लेके जाओ दूसरे फ्लोर पर, वहाँ कहीं संभाल दो। ये नया चूल्हा लग चुका है घर पे, खाना भी बन गया, मैंने खाना बना दिया है। खाना मीन्स ब्रेकफास्ट, अभी दिन का खाना नहीं बना है। और किचन क्लीन कर दिया है लगभग, मतलब पूरी तरह से क्लीन कर दिया किचन, ब्रेकफास्ट बन गया है। ब्रेकफास्ट करेंगे हम जब से हमारा काम पूरा होगा। ये अभी मैंने यहाँ पे कुछ सामान निकाला है जो कि हमें रिजेक्ट करना है, बाहर फेंकना है। और ये फ्रिज की हालत भी कुछ इस तरह से है, और हर घर में मतलब कितनी भी जगह और फ्रिज के ऊपर ज़रूर सामान मिलेगा, ये हर घर की कहानी है। तो अभी मुझे ना थोड़ा जाना है कहीं, तो मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। और ये देखो हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं। हमें कहाँ जाना था, बहुत सारा काम था, वहाँ जाना था, मार्केट का ही है, तो हम दोनों ने सोचा थोड़ी मार्केट चले जाते हैं और वहाँ का काम निपटा देते हैं, क्योंकि घर की क्लीनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा कल का है, जो बेडशीट वगैरह चेंज करनी हो कल करेंगे। तो अभी मैं मार्केट के लिए निकलती हूँ, मैंने चाबी ले ली है स्कूटी की, और अब स्कूटी बाहर निकालती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड आते हैं। उन्होंने कहा कि तब तक स्कूटी बाहर निकालो, मैं आ रहा हूँ। तो मैं जा रही हूँ अभी स्कूटी बाहर निकालने, और जो मार्केट का काम है वो सारा निपटा देते हैं। धूप भी ना बहुत ज़्यादा हो रही है, बट क्या करें, गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इस वजह से हम स्कूटी ही ले जाएंगे। तो अभी मैं स्कूटी बाहर निकालती हूँ, तो मैं स्टार्ट करती हूँ स्कूटी और निकालती हूँ इसे बाहर। मैंने बाहर निकाल दी है स्कूटी, और अब चलते हैं। तो मैं चलती हूँ आगे पे, हस्बैंड मिल जाएंगे मुझे, और थोड़ा आगे चले गए हैं और हम निकल चुके हैं। मैंने स्कूटी अपने हस्बैंड को दे दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और मेरा फेस पूरा जल जाएगा, इस वजह से मैंने इनको कहा कि तुम स्कूटी चलाओ, मैं पीछे से अपना फेस छुपा दूँगी तुम्हारे पीछे, क्योंकि मैंने फेशियल करवाया था और तुरंत ही मार्केट जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा पूरा फेस जल जाएगा, इसलिए तुम स्कूटी चलाओ। और इतनी ज़्यादा धूप लग रही है ना, क्या बताएं आपको। और मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि इस टाइम सीजन है फेस्टिवल्स का, और वेडिंग सीजन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग शॉपिंग करने, त्योहारों का सीजन है, तो वैसे भी मतलब बहुत ट्रैफिक रहता है। अभी हम शॉर्टकट निकल रहे हैं, बीच बीच से मेन रोड से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ स्कूटी से ही फंस जाएंगे। तो और हम मार्केट से घर आए, तो सबसे पहले मुझे दिखा ये क्या है कि जो हमारा डेकोरेशन होगा ना मकान पे, तो वो भैया टेंट वाले भैया लेके आए। मैंने सोचा यहाँ पे क्या रख दिया किसी ने, बट अभी मैंने चाचा जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ये डेकोरेशन का सामान आया है, तो अब ऊपर डेकोरेशन होनी है, तो अब डेकोरेशन शुरू होगी, इसलिए अंधेरा भी हो ही चुका है, कल से मेहमान आ जाएंगे तो आज ही डेकोरेशन करनी है। तो ये भैया डेकोरेशन वाले आ गए हैं ऊपर, और ये जो घर में डेकोरेशन होनी है वो करना शुरू कर दिया इन्होंने, ऊपर छत से चुन्नियाँ डालनी शुरू कर दी है नीचे। और अभी डेकोरेशन वाले भैया ने मुझे बताया कि हमने जो एंट्री गेट है बाहर रोड से गली का, वो भी लगा दिया है, तो एक बार देख के आ जाओ। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ एंट्री गेट को देखने कि किस तरह का बनाया है उन्होंने, तो मैं चलती हूँ। और नीचे से हमारा घर इस तरह से लग रहा है, अभी डेकोरेशन शुरू ही हुई है, अभी ज़्यादा मतलब अभी दो तीन चुन्नियाँ ही डाली उन्होंने। तो और मैं जा रही हूँ अभी गली में बाहर,
मेन रोड पे जहाँ पे हमारा एंट्री गेट लगा हुआ है। देखती हूँ किस तरह से लगाया हुआ है। और ये देखिए, मतलब जहाँ से हमारा घर है वहाँ से इस तरह से लग रहा है एंट्री गेट। शायद आगे की साइड से, मेन फ्रंट साइड से उन्होंने डेकोरेट करा होगा। हाँ, ये देखिए इस तरह से डेकोरेट कर रखा है उन्होंने। अच्छा है, सिंपल सोवर है, क्योंकि ये ना गली, मतलब घर पे नहीं है एंट्री गेट, मेन रोड से अंदर गली के लिए है, तो ठीक है वहाँ पे के लिए अच्छा लग रहा है। तो आप भी बताएं कैसा लग रहा है ये गेट। और अंदर तो डेकोरेशन चल ही रही है हमारी। और मैं अंदर आ गई हूँ, देखिए मतलब लगभग यहाँ भी भैया ने कंप्लीट कर दिया है, अब लास्ट एंड रह रखा है, अब थोड़ा सा रह रखा है, थोड़ा भैया से बातचीत चल रही है। और ये देखिए दुल्हे राजा खड़े हो रखे हैं, अपना डेकोरेशन खुद ही संभाल रहे हैं, काम करने वालों को खुद ही देख रहे हैं कि किस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं। और कुछ इस टाइप से लग रहा है ये चुन्नियाँ जो उन्होंने ऊपर छत से लगाई हैं। अभी यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा है, बैक साइड से दिख रहा है, बट कल मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से लग रहा है ये डेकोरेशन हमारा। तो मैं अपना ब्लॉग भी खत्म करती हूँ, क्योंकि अब बहुत सारा काम था। बाय। अच्छा यार, पीछे से